अगर आपको बहुत कम समय में एक बेहतर लीडर बनना है तो राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 2004 में अपने नोकिया सीरीज 60 फोन आने लग गए थे, तो मोबाइल फोन पे गेमिंग स्टार्ट हो गया, इनिशियल चालू हो गया था, स्नेक गेम सब। तो हमने क्रिकेट गेम्स बनाना चालू करे। अब कस्टमर को चार्ज कैसे करे, उस टाइम डिजिटल बिलिंग UPI सब तो रहता नहीं था, माइक्रो बिलिंग एक ही तरीका था मोबाइल फोन ऑपरेटर के बिल के थ्रू। तो मैं मोबाइल ऑपरेटर्स के साथ टाई अप करना चालू करा। शुरू में BPL के साथ टाई अप हुआ, फिर मुझे एयरटेल के साथ पार्टनरशिप करनी थी। एयरटेल से मेरी पार्टनरशिप हो रही नहीं थी, बिकॉज मैं अननोन कंपनी था, वो बहुत लार्ज बिजनेस थे। तो एक दिन मेरे ऑफिस में बैठे बैठे मैं सोचा कि मैं क्रिकेट गेम बना रहा था। उस सालों में एयरटेल के ब्रांड एम्बेसडर होते थे सचिन तेंदुलकर। तो मेरे को ऐसे ही थॉट आया कि मैं सचिन को ब्रांड एम्बेसडर बनाता हूँ मेरे गेम का, तो फिर एयरटेल को मेरे साथ काम करना ही पड़ेगा। तो ये सोच से मैंने एयरटेल के सचिन के एजेंट वोल्टेल होते थे उनके वेबसाइट पर जाकर उनको एक मेल डाल दिया। 6 महीने के बाद आई फाउंड माई सेल्फ सिटिंग वन डे इन सचिन्स होम इन बांद्रा। उस सालों में सचिन यूज टू बी गॉड, राइट? आई वॉज 24 दैट टाइम। सचिन यूड ग्रोन अप सचिन, राइट? तो आफ्टर दैट फैन बॉय मोमेंट, 2004। अच्छा हाँ, ये जस्ट 2003 के बाद वाला टाइम, क्रेजी फैन फैंडम टाइम, यस। सो आफ्टर हैविंग दैट 5 मिनट्स फैन बॉय मोमेंट, आई पिच्ड माई स्टोरी टू हिम एंड आई मैनेज टू गेट हिम टू अग्री टू बिकम माई ब्रांड एम्बेसडर। मैं उनको उस टाइम उनका इंडोर्समेंट फी कुछ साल का $1 million होता था, इट वॉज अ रिकॉर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, 7-8 करोड़ रुपए। हाँ, उस टाइम पे 4-5 करोड़। मैं तो कुछ 5-10 लाख भी नहीं दे सकता। बट आई टोल्ड हिम कि आपके जो यंग फैंस हैं उनको ये बहुत अच्छा लगेगा, एंड सचिन कनेक्टेड विद दैट। थोड़ा मैं काम करके भी गया था, उनका गेम बना के गया था, उनका गेम में कैरेक्टर बना के गया था टू डेमोन्स्ट्रेट टू हिम, विच ही रियली लाइक्ड। सो आई गॉट दैट डील। उस डील होते से ही मेरी एयरटेल की डील हो गई, तो एक तो मेरा बिजनेस थोड़ा चालू हो गया, एंड दूसरा जो मैंने सोचा नहीं था, जो साइड इफेक्ट हुआ इसका या पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, आई वॉज इंटरव्यूड इन CNBC फॉर दिस डील। सचिन के, हाँ, CNBC का उस टाइम यंग टर्क्स प्रोग्राम आता था, शरीन मान, हाँ, आज भी आता है। सो उस टाइम आई वॉज इंटरव्यूड ऑन दैट, एंड माई इन्वेस्टर्स वेजबिज कैपिटल, उनका जो मेन पार्टनर थे संदीप सिंगल, उन्होंने मेरा इंटरव्यू देख के मेरे को अगले दिन फ़ोन करा। तब तक वो इन्वेस्टर नहीं, 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 मैं तो परस्यू भी नहीं कर रहा था, वेंचर कैपिटल समझता भी नहीं था उस टाइम। सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिम, एंड फिर उसके बाद 6 महीने काम करके उन्होंने कुछ मेरे कंपनी में 6 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करा। That was the starting of the next level of growth. और because जो early years मैंने काफ़ी struggle करा था, मैं थोड़ा old school हो गया था। old school मतलब पैसा बनना चाहिए, profitability बननी चाहिए, cash flow बनना चाहिए। तो 2007 से 2014 तक मैंने पैसा raise तो खाली 12 करोड़ करा था, but profits मैंने कम से कम 200 से 250 करोड़ profit बनाए। तो 2014 में मेरा bank balance company का was about 250 करोड़ rupees. बिकॉज आई वॉज रनिंग एकदम लीन एंड मीन, लीन एंड मीन बिजनेस चलाओ, प्रॉफिटेबिलिटी फोकस करो, पैसे एंड एक मोहम्मद अली का मेरे को एक कोट बहुत अच्छा लगता था जो मैंने मेरे बिजनेस में काफी इम्प्लीमेंट करा, विच वॉज फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई स्टिंग लाइक अ बी। एकदम एसेट लाइट बिजनेस चलाओ, और जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखे उसको कैपिटलाइज करो। दैट वर्क वेल फॉर मी। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। मेरा नाम राज शमानी है और यहाँ पर हम बहुत सारे नॉलेजेबल इंसाइटफुल क्लिप्स ला के लेते हैं आपके लिए।